नमस्कार दोस्तों, पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नया मॉडल है ACDI 6565B2। ये भैया इस ट्रैक्टर के ऑनर है, एजेंसी के मालिक हैं यहाँ पे, और ये मैकेनिक भी हैं। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर के बारे में जो पूरी डिटेल है वो भैया बताएंगे। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया, क्या नाम है जी आपका? सूरज पाल। सूरज पाल, तो भैया ये ट्रैक्टर के बारे में बताओ, ट्रैक्टर में क्या खास बात है? इसके क्या बताऊँ सर जी, सबसे पहले आगे आ जाए, इसमें बम्पर नहीं दिया है। 2200 kg का एक बेड दिया है इसमें, चार बेड से उठता नहीं इंजन। बम्पर इसका बहुत हैवी है, बहुत हैवी। उसके बाद में डबल एक्सेल, दोनों तरफ जैग है, डबल हैवी एक्सेल। ठीक, इसका फायदा बताओ मुझे, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा जो होता है, ये बहुत हैवी एक्सल है, जैसे सोनालिका है या स्वराज है, इनकी लग जाती हैं। अच्छा, ये बहुत उनसे हैवी है। अच्छा, हाँ 65 horsepower में है ये, इसकी लिखित 61.25 मिलेगी आपको। अच्छा, और इसके इंजन के बारे में बताओ। माइक्रो बॉस का पंप है इसमें, जो सब इंजनों में आ रही है उसमें ही माइक्रो बॉस का है, इसमें भी माइक्रो बॉस का है। 4 cylinder है, 4088 cc इंजन है इसका। दुनिया में आज तक कोई इंजन नहीं बना इतना तगड़ा है। हाँ, और ये क्या डिब्बा है? ये कूलेंट का डिब्बा है। अच्छा जी, और इसके अंदर ये क्या है? जे स्टेयरिंग ऑयल है, 1.5 liter स्टेयरिंग ऑयल पड़ता है। अगर पैर फट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, 1 liter स्टेयरिंग ऑयल पड़ता है, काम हो जाता है। इसमें इंजन मतलब कौन सी कंपनी का आता है? इसमें जीटर, जो जीटर इंजन आते थे करके, 70 horsepower का इंजन है इसमें, जीटर। और ये क्या? जे पानी वाला फिल्टर है, डीजल का, वाटर सेपरेटर है जी। इसका यूज़ क्या होता है? इससे गंदगी या पानी आता है इसमें, रुक जाता है। अच्छा, इससे दिखने लगता है। तो क्या करते हैं अपने कस्टमर लोग, यहाँ से खोल के अच्छा पानी निकाल देते हैं, डीजल रह जाता है, पानी निकाल देते हैं। दूसरी बात, पंप सेफ रहता है इससे। अच्छा, पंप की लाइफ ज़्यादा पड़ती है, पंप की लाइफ ज़्यादा रहती है। ये टूल बॉक्स है इसका, काफ़ी अच्छा है। हाँ, और ये जो शीशा दे रखे है, हीट सील्ड है, मतलब मैं ड्राइवर के लिए बैठने में कोई गर्म हवा नहीं जाए, पूरे दिन चलाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो यहाँ से रुक जाती है, उधर नहीं जाती है। और ये क्या है जी? इसका फैन है। अच्छा, रेडिएटर है। हाँ जी, बहुत हैवी पंखा दिया, इससे कतई हीट नहीं पकड़ता इंजन। जी रेडिएटर है, पानी पड़ता है, कूलर भी पड़ता है इसमें, दोनों। हाँ, दोनों है। जे ड्राइव एयर क्लीनर है, इससे इंजन की क्षमता बहुत बढ़ती है, इसमें गंदगी नहीं जाती है बिल्कुल। इंजन की लाइफ बढ़ती है, इंजन की लाइफ बढ़ती है बहुत। और ये बैटरी प्रोसेस में आगे दिया हुआ है? हाँ, आगे दिया है, क्योंकि मतलब अंदर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री वगैरह आप जाते हैं। हाँ हाँ, तो चोरी नहीं होगा? चोरी नहीं होगा। बिल्कुल कारों वाला सिस्टम है, तो आप इसे नीचे करके दिखाएं। नीचे बहुत आसानी से नीचे हो जाता है, नीचे हो गया। और इसमें आपको जो हैलोजन लाइट मिलती है? हाँ जी, लाइट है, और एसी कंपनी का लोगो है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको मेटालिक पेंट मिलेगा। और भैया इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे, इसका पायदान के बारे में बताओ, इसकी पायदान की विशेषता क्या है? पायदान की विशेषता वैसे करके आउट ऑफ, तो बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। हाँ, इसमें बहुत नीचे स्पेस बहुत है इसमें। हाँ, बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है। हाँ, और ये क्या मतलब है EPI ड्राइव? EPI ड्राइव का मतलब है, मतलब करारो गेयरबॉक्स है इसमें। इसका मतलब फ़ायदा क्या होता है? फायदा इसके होता है, जे स्टील की गरारियाँ होती है इसमें। अच्छा जी, और जैसे करके सरकारी इंजनों में गरारी आती, करारो गेयरबॉक्स बोलती हैं। अच्छा, तो इसके लाइफ ज़्यादा होती है? बहुत लाइफ होती है, 10 साल गेयरबॉक्स की वारंटी है इसकी। अच्छा, 10 साल की वारंटी? हाँ, इस गेयरबॉक्स की 10 साल, इंजन की 5 साल। कितनी वारंटी? मैंने पहली बार सुनी 10 साल की वारंटी होती है, क्योंकि करारो गेयरबॉक्स खराबी नहीं होता, आज तक का रिकॉर्ड है किसी में। देखने इसमें आके आओ आप, इसमें ड्राइवर को काफ़ी आराम मिलता है। अच्छा जी, बहुत स्पेस, इधर भी है इधर भी, ये स्टेयरिंग के लिए। और इसके ये डीजल मीटर है? हाँ, ये डीजल मीटर, ये टंप ऑयल प्रेशर मीटर है, ये डीजल मीटर है, ये RPM मीटर है, ये बैटरी वाला है, ये टेम्परेचर है। तो ये ट्रैक्टर कितने RPM पे लगभग? जे जुताई में या रीपर में 15 से 16 RPM पे चलता है, डीजल खाता है 6 से 6.25 liter घंटे। हाँ, और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है ये बताओ? 2200 kg, 2200 kg लिफ्ट है इसकी। और इस ट्रैक्टर में कितने गियर आते हैं? इसमें गियर तो वैसे तो 4 ही है, 4 लगा के 12 gear हो जाते हैं। इसमें 3 लोहाई है, हर्ट सेकेंड थर्ड लोहाई मीडियम में। हाँ वाला, हाँ, इसमें। अच्छा जी बताइए, और ये क्या है इसके मतलब? ये मैं देख रहा हूँ ब्रेक पैड, ये ब्रेक है इसके, बढ़िया ब्रेक है, बहुत मुलायम ब्रेक है, चाहे बच्चा बैठे चाहे बूढ़ा बैठे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्लिच भी इसका बहुत मुलायम है। और इसका प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है, काफ़ी स्पेस। हाँ, स्पेस बहुत है।
और ये इसके एलईडी इंडिकेटर लगे हुए हैं इसमें। अच्छा भैया एक मिनट, ये क्या चीज़ है? जे इसका हैंड ब्रेक है और ये क्या है? जे क्लिच है, पीटीओ वाला क्लिच है। और इसके बारे में बताओ मुझे। जे पीटीओ गियर है, आगे को भी चलता है और उल्टी सीधी दोनों चलती है, रिवर्स पीटीओ है। पीटीओ के बारे में बताओ डिटेल से, इसमें कितने एचपी की पीटीओ मिलती है और मतलब पीटीओ कितने चक्कर निकालता है, कितने चक्कर पीटीओ ऑपरेट जनरेट करता है? 540 में ई और 540 नॉर्मल दोनों है। अच्छा, हमारे को किसान भाई जैसे दीपक चलाना चाहें तो मतलब कौन सी पीटीओ चलाएं? 540 में। अच्छा, तो कितने चक्कर में चलाना चाहिए? 1500 से 1600 आरपीएम। अच्छा, तो और इसकी पीटीओ एचपी कितनी है? 57 हॉर्स पावर पीटीओ है इसकी। 57 एचपी की पीटीओ और 65 एचपी का ट्रैक्टर है। अच्छा, और मुझे इसके नीचे और इसमें जो छाता लगा हुआ है। अच्छा, इसकी केबिन बहुत ज़बरदस्त है, अगर एक बार को ट्रैक्टर पलट भी जाता है तब भी ड्राइवर सेफ रहेगा। काफ़ी मजबूत है, बहुत मजबूत है इसका पूरा, मुझे मटकार नीचे हौजों से दिया हुआ है, पूरा सेव है इसकी छाता और वहाँ रखा ऊपर का है। अच्छा, वो मतलब रखा वो इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए खोल के रख दिया है। अच्छा अच्छा, तो वो छाता मतलब बहुत सारी मिलती है, फायर वाली? हाँ, फाइबर वाली छाता है, कंपनी फिटिंग मिलेगी। अच्छा, और ऊपर नीचे आइए ना, ये मोबाइल चार्जर है? जी मोबाइल चार्जर है। अच्छा, एक चाबी लगी हुई? हाँ, चाबी है जे इसका, जब तक लोहाई न्यूट्रल नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। हाँ हाँ, गियर वगैरह खूब आराम से पड़ते हैं वो? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद हो गया साहब। और इसमें ये फ्यूल टैंक कितने लीटर का आता है? 57 लीटर का टैंक है इसका। 57 लीटर का जी। और इसका पेंट मेटालिक पेंट है? कैसा पेंट है? मेटालिक पेंट है ना? बढ़िया पेंट है, 20 साल की पेंट की वारंटी है, कहीं से उछले पेंट की वारंटी? हाँ, पेंट की वारंटी है। अगर कस्टमर या कुछ भी लगती उसकी गारंटी नहीं, अगर जैसे अपने आप पपरास उछलने लगे, इसके स्टिकरों की 2 साल की गारंटी है, कंपनी फ्री लगा के देगी अगर उछल गए तो। अच्छा, हाँ, सुविधा बहुत है। तो दोस्तों ये क्या, 24 घंटे के अंदर हमारे कंपनी से मैकेनिक आता है, अगर कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए मैं हूँ। और दोस्तों ये इसमें जिसमें 80 केजी का ये बेट है, एक 80 केजी का एक बेट है। हाँ, और एमआरएफ के टायर मिलते हैं? एमआरएफ के टायर मिलते हैं। हाँ, और अब इसके पिछले हिस्से के बारे में बताओ, मतलब पिछले हिस्से से कैसा है इसके? ये चार क्यों दिए हुए हैं? चार इसलिए दिए हुए हैं, जैसे कि घर के वो एक लोड पोर्ट वाला यंत्र आता है, एमबी पिलाओ उसके लिए अगर ये नहीं होता तो सिर्फ कस्टमर को 20 से 25 हज़ार रुपये अलग लगाने होते हैं। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें डायरेक्ट इसे चलता है। अच्छा, इसकी पटिया की लाइफ बहुत है। कैसे मतलब बताओ मुझे? इसमें वो पटिया क्या बोलते हैं इसे, जो न्यूहालैंड पटिया दे रहे हैं। हाँ, वही पटिया है इसमें। अच्छा, मतलब न्यूहालैंड की तरफ से? हाँ, और यहाँ पे जो इसका पीटीओ गियर है 540 ई और 540, अगर हमको कम राउंडों में ट्रैक्टर चलाना है अपनी आरपीएम में और राउंड ज़्यादा लेने तो 540 ई पे करना है, और थोड़ी आरपीएम बनाना है तो 540 पे कर दिए आप, अंदर हो जाती है ऐसी। ठीक है साहब। तो दोस्तों और ये क्या चीज़ है भैया? ये गेज है, इंजन गेज है, ये आयल गेज है गेयर बॉक्स का। और ये क्या चीज़ है? ये है जैसे कि अपने ट्राली में किसी में पीछे वो लगा लूँ लाइट के लिए। और इसका पिछला हिस्सा मुझे काफ़ी भारी लग रहा है, बहुत। इसके बारे में बताओ, इसे मतलब कैसा क्या ट्रैक्टर से अलग किया है इस ट्रैक्टर में? करारू गियर बॉक्स का ये मतलब होता है आप कोई सी गियर में चलती हूँ। हाँ, पहले से चौथा डालने चाहे चौथे से पहला डालने। अच्छा, इसमें गियर आवाज़ नहीं करती हैं, आराम से आसानी से गियर पड़ जाती हैं। अच्छा, और इसका जो छाता दिया हमारे इसी नीचे फाउंडेशन दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर अगर पलट भी जाता है तो ड्राइवर बिल्कुल सेफ रहेगा। और ये कंपनी का दोस्तों इंस्ट्रक्शन से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी लिंकेज काफ़ी ज़्यादा भारी है, उसकी लिफ्ट कैपेसिटी 22 केजी है, और इसमें आपको चार डिस्ट्रीब्यूटर दिए हुए हैं, भैया ने सभी के बारे में बताया। और बात करते हैं इस ट्रैक्टर की प्राइस बारे में, तो इसका प्राइस लगभग प्राइस कितना है, कम से कम इसका प्राइस कितना है? कम से कम सर जी 8.30 से 8.5 लाख तक। अच्छा, तो कुछ बहुत से भाई हमारे वीडियो देख के आएंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह मिलेगा? हाँ, वो मौका आप देख लेंगे जैसा भी होगा। आप मुझे ये बताइए मतलब आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, कौन कौन से जिला, मतलब हम कहीं भी दे सकते हैं, हम आप पे कोई बाउंड नहीं है, पीलीभीत, बरेली, शाहजहानपुर या नवाबगंज कहीं भी दे सकते हैं, हमें कोई बाउंड नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी बिक दिया जी, लेटेस्ट मॉडल है, तो अपना एक बार अपना नंबर बताइए आप। नंबर ऐसे 98373 98373 15521। तो दोस्तों
भैया ने इस ट्रैक्टर के बारे में बताइए एक बार, इसकी वारंटी फिर से बताइए, वारंटी है, पेंट की वारंटी कितने साल की है? 20 साल की पेंट की वारंटी है अगर पपरा से उचलता है तब। और दोस्तों ये आप बताएंगे स्टीकर की वारंटी है, 2 साल अगर कहीं पे दिक्कत आती तुरंत कंपनी का इंजीनियर आता तुरंत लगा के जाता घर पे। अच्छा और वारंटी बताइए इसकी क्या चीज़ है? वारंटी 5 साल की गेयरबॉक्स की वारंटी है इसकी। और नहीं गेयरबॉक्स की 10 साल और इंजन की 5 साल। तो दोस्तों भारत का पहला ट्रैक्टर है कैसा जिसकी इतनी वारंटी मिली, स्टीकर की वारंटी मिली है, पेंट की वारंटी मिल रही है, गेयरबॉक्स की वारंटी मिल रही है। तो दोस्तों जो इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए स्पेशली डिस्काउंट मिलेगा और भैया के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और एसी भी यहाँ सारे ट्रैक्टर मिलेंगे यहाँ पे, हरे ट्रैक्टर दो मॉडल में, इनकी वीडियो आएगी। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।